डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एन स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। आज हम इस टॉपिक में आपको प्रीपोजिशन का यूज करना सिखाएंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब आप टेंसेज में ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा कि आप प्रीपोजिशन का सही तरीके से प्रयोग कहाँ और किस प्रकार करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने ये दिए गए हैं प्रीपोजिशन वर्ड, जिनका अभी हम यूज करना सीखेंगे। बट इसको सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो आप इतना समझ लीजिए कि प्रीपोजिशन जो होते हैं तो उसको ऐसे डिफाइन हम कर सकते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन नाउन आर प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स। मतलब हम प्रीपोजिशन को संबंधवाचक कह सकते हैं और ऐसा उसको कह सकते हैं कि संबंधवाचक वह शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य शब्दों से जो है तो संबंध बतलाते हैं। तो आइए इनका हम क्रम से जो है तो यूज करना सीखते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं सिंस, फॉर, फ्रॉम और विथ। यदि देखा जाए तो इन चारों का मतलब से होता है, लेकिन यहाँ जैसे मैंने राइट किया है कि सिंस का यूज निश्चित समय के लिए करते हैं और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए करते हैं। फ्रॉम का यूज वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल में लौटने के लिए या वापस आने के लिए किया जाता है। जब किसी स्थान से लौटने की बात होती है तो हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में जो है तो फ्रॉम का यूज कर देते हैं। और विथ प्रीपोजिशन का जो यूज होता है तो संबंध बतलाने के लिए होता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम सिंस का यूज देख लेते हैं कि सिंस प्रीपोजिशन का जो है तो यूज हम कहाँ करेंगे। तो सिंस फॉर का यूज अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ मैंने कुछ निश्चित और अनिश्चित समय बताए हैं, जैसे कि निश्चित समय क्या कहलाता है और अनिश्चित समय क्या कहलाता है। तो यहाँ जैसे स्टार्टिंग टाइम जो कि शुरुआती समय होता है, जो कि निश्चित समय है, जैसे कि 3 बजे से, 5 मार्च से, 1993 से, सुबह शाम से, कल से, पिछले महीने से, पिछले रात्रि से, ये सब निश्चित समय हैं। और अनिश्चित समय जैसे कि 15 मिनट से, 2 घंटे से, 6 माह से, 6 दिन से, 7 वर्ष से, कई वर्षों से, मतलब ये जो होता है तो अनिश्चित समय होता है। तो अनिश्चित समय के लिए फॉर और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल हम राइट करते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल फॉर 10 o'clock। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल राइट कर दिया, ही इज गोइंग टू स्कूल फॉर 10 o'clock। तो यहाँ देखिए मैंने फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया है क्योंकि यह निश्चित समय है कि वह 10 बजे से विद्यालय जा रहा है। इसी तरह यदि हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो इसी को हम ऐसे राइट कर सकते हैं, ही इज गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि वह 2 घंटे से विद्यालय जा रहा है, मतलब ये 2 घंटे कोई निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ मैंने फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसको मैंने राइट कर दिया, ही इज गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours, मतलब यहाँ मैंने फॉर प्रीपोजिशन का यूज किया है। अब यदि हम फ्रॉम की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसों में होता है, लेकिन वापस लौटने के लिए, जैसे यहाँ हम प्रेजेंट टेंस के लिए एक एग्जांपल्स लेते हैं कि ही कम्स फ्रॉम पटना, फ्रॉम पटना, यहाँ मैंने राइट किया है ही कम्स फ्रॉम पटना। इसी तरह पास्ट टेंस के लिए हम जैसे राइट करते हैं, ही रिटर्नेड फ्रॉम पटना,
यहाँ मैंने राइट कर दिया ही रिटर्नेड फ्रॉम पटना, मतलब वह पटना से जो है तो लौटा। अब इसी तरह यदि हम फ्यूचर का एक एग्जाम्पल्स राइट कर देते हैं, ही विल स्टार्ट फ्रॉम पटना, मतलब इसका ये हो गया कि वह पटना से चलना शुरू करेगा। तो यहाँ मैंने प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का जो है तो एग्जाम्पल्स राइट करा दिया है। तो आप सभी में देख सकते हैं कि फ्रॉम का मैंने जो है तो यूज किया है और सब जो है तो वापस लौटने के लिए किया गया है। अब यहाँ यदि हम फोर्थ नंबर की बात करें विथ की, तो विथ का यूज संबंध बताने के लिए किया जाता है, या कि इसको हम एक और कह सकते हैं कि साधन या यंत्र के लिए, साधन या यंत्र के लिए भी इसका जो है तो यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ हम राइट कर लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स हम एक यहाँ राइट करते हैं, ही राइट्स विथ अ पेन, ही राइट्स विथ अ पेन। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने विथ राइट किया है, इसका मतलब ये है कि वह पेन से लिखता है। अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि वह का संबंध जो है तो पेन से है, या कि आप ऐसा कह सकते हैं कि पेन जो है तो वह का एक साधन है, मतलब उसका एक तरह से लिखने का साधन है, इसलिए मैंने यहाँ विथ प्रीपोजिशन का यूज किया है। तो आप ऐसा समझिए कि जब भी कहीं किसी साधन यंत्र की बात आती है तो वहाँ आप विथ प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। यहाँ संबंध बताने के लिए एक और हम एग्जाम्पल राइट करते हैं, जैसे कि सीमा कम विथ मी, इसका मतलब ये हो गया कि सीमा मेरे साथ आती है। तो आप समझ सकते हैं कि साथ के लिए, या कि संबंध बताने के लिए, या कि साधन यंत्र के लिए जो है तो विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। अब यहाँ जैसे मैंने कुछ और प्रीपोजिशन वर्ड लिए हैं, टू का मतलब वैसे को के सेंस के लिए होता है, और इसका मतलब एक से भी होता है। जैसे कि आपने अधिकांश सुना होगा, वह विद्यालय जाता है तो ही गोज टू स्कूल बोलते हैं, ऐसा करके मतलब टू वहाँ लगाया जाता है। तो जाने के सेंस में आप कह सकते हैं कि हम टू प्रीपोजिशन का जो है तो यूज कर सकते हैं। वैसे टू का यूज जो है तो से के लिए भी किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि टू को या से के लिए हम लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने बताया है कि किसी स्थान में जाने के लिए, क्योंकि अधिकांश जो है तो टू का यूज किसी स्थान में जाने के लिए ही लगाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स जो है तो अभी बताया ही कि आप राइट कर सकते हैं, ही गोज टू स्कूल, या कि और आप राइट कर सकते हैं कुछ भी, यहाँ He goes to home। तो आप ऐसा समझिए कि किसी स्थान में जाने के लिए अधिकांश जो है तो टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और इनटू के लिए मैंने राइट कराया है कि गतिशील वस्तु के लिए, तो आप ऐसा समझिए कि जब कोई वस्तु गति करती है तो गति के लिए जो है तो इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोल दें कि He jumps into river, वह नदी में कूदता है, तो मतलब वह नदी में कूद रहा है, या कि हम कह सकते हैं गति कर रहा है, जिसके लिए जो है तो हम into का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम जैसे एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, किसी को भी हम राइट कर सकते हैं कि रोहन jumps into river, मैंने राइट कर दिया रोहन जंप्स इनटू रिवर, मतलब रोहन नदी में जो है तो कूद रहा है, या कि कह सकते हैं कि गति कर रहा है, इसलिए जो है तो मैंने इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया है। और जैसे एक और यहाँ एग्जांपल राइट कर देते हैं कि द कैट फेल इनटू वेल, यहाँ मैंने राइट कर दिया द कैट फेल इनटू वेल, मतलब बिल्ली कुएं में गिर गई,
तो यहाँ भी बिल्ली जो है तो गति कर रही है, मतलब वह कुएं में गिर रही है, मतलब गतिशील अवस्था में है, इसलिए जो है तो हम यहाँ इनटू प्रीपोजिशन का यूज कर दिया। तो आप ऐसा समझिए कि जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो उसके लिए हम इनटू प्रीपोजिशन का जो है तो यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है एट और इन। तो एट मीन्स पर होता है और इन मीन्स में होता है, बट एट का यूज जो है तो हमेशा छोटे गांव या छोटे कस्बे के लिए किया जाता है और रहने के केस पे। तो एट का यूज जो है तो अधिकांश छोटे गांव या छोटे कस्बे में रहने के लिए जो है तो किया जाता है, और इनका यूज देश, बड़े शहरों, महीनों और वर्षों के लिए भी जो है तो किया जाता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एट का यूज जो है तो छोटे गांव या कस्बे के लिए, और इनका यूज बड़े शहर या कि देश के लिए अधिकांश जो है तो करते हैं। तो जैसे कि यहाँ हम राइट कर देते हैं कि ही लिप्स एट जनकपुर, जनकपुर। तो देखिए यहाँ मैंने एट का यूज कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ राइट किया है ही लिप्स एट जनकपुर, वह जनकपुर में रहता है, मतलब जनकपुर एक गांव है, इसलिए जो है तो मैंने यहाँ इट का यूज कर दिया। अब जैसे यहाँ हम एक और एग्जांपल जैसे राइट कर देते हैं कि ही लिप्स इन इंडिया, इंडिया। अब यहाँ हम देखते हैं तो इंडिया एक कंट्री है, मतलब एक देश है, इसलिए यहाँ मैंने इन प्रीपोजिशन का यूज किया है। अब ऐसे ही यदि हम कोई बड़ा शहर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ हम एग्जाम्पल्स राइट कर लेते हैं कि मोहन, मोहन लिप्स इन दिल्ली, मोहन जो है तो दिल्ली में रहता है। तो यहाँ मैंने राइट कर दिया मोहन लिप्स इन दिल्ली। तो यहाँ भी देखिए मैंने इनका यूज कर दिया क्योंकि यहाँ दिल्ली जो है तो एक बड़ा शहर है, बिग सिटी है, इसलिए मैंने यहाँ जो है तो इन प्रीपोजिशन का यूज कर दिया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि महीनों के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि यहाँ हम राइट कर देते हैं दे केम इन मार्च, मतलब वे जो है तो मार्च में आया। तो यहाँ महीनों के लिए भी जो है तो हम इन प्रीपोजिशन का यूज कर देते हैं, आप ये भी समझिए। दे केम इन मार्च, तो हमने इसे ऐसे राइट कर दिया। यहाँ मैंने फोर्थ नंबर राइट किया है ऑन, ओवर, अबव, जिसको मैंने यहाँ क्रम से राइट भी किया है कि ऊपर, उससे ऊपर और सबसे ऊपर के लिए जो है तो इनका यूज करते हैं। तो आन का यूज आप ऐसे समझिए कि जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु से स्पर्श कर रही होती है तो उस केस पे जो है तो हम आन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब पुस्तक जो है तो मेज पर है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पुस्तक मेज को स्पर्श कर रही है, मतलब हम उस कंडीशन पे जो है तो आन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। और जैसे कि जब कोई वस्तु मतलब स्पर्श ना करे, कुछ ज्यादा ऊपर हो, मतलब थोड़ी ऊपर हो, तो उसके लिए हम ओवर प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि द फैन इज ओवर आवर हेड, मतलब पंखा जो है तो हमारे सर से थोड़ा ऊपर है। तो इस केस में जो है तो हम वहाँ ओवर प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। और अबव की बात करें तो अबव को हम ऐसे बोल सकते हैं कि द स्काई इज अबव आवर फार्म, मतलब जो आसमान है या आकाश है तो हमारे जो खेत हैं, मतलब हमारा जो खेत है तो उससे ऊपर है। तो इस तरह से हम तीनों को जो है तो समझ करके जो है तो यूज कर सकते हैं कि आन का यूज स्पर्श की गई वस्तु के लिए, ओवर का यूज जो है तो सीमित ऊंचाई के लिए, और अबव का यूज जो है तो सबसे ज्यादा ऊंचाई के लिए जो है तो किया जाता है। तो आप ऐसा समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ हम एग्जांपल्स भी राइट कर लेते हैं इनके, जैसे कि हम आन का
एग्जाम्पल राइट करते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल। द टेबल मतलब पुस्तक जो है तो मेज पर है। और ओवर के लिए जो है तो हम एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं, द फैन इज ओवर आवर हेड। आवर हेड मतलब पंखा जो है तो हमारे सर से थोड़ा ऊपर लगा हुआ है, तो इसके लिए द फैन इज ओवर आवर हेड मैंने ऐसे राइट कर दिया। अब आपके लिए राइट कर देंगे, द स्काई इज अबव आवर फॉर्म्स। फॉर्म्स मतलब जो आकाश है तो हमारे खेतों से जो है तो ऊपर है, तो ऐसा मैंने इसे राइट कर दिया, द स्काई इज अबव आवर फॉर्म्स। अब यहाँ मैंने फिफ्थ नंबर राइट किया है बाई। इसका यूज जो है तो करण या कारक या कि बगल में के लिए जो है तो किया जाता है। जैसे कि यहाँ हम राइट कर लेते हैं, सिट बाई मी। सिट बाई मी मतलब मेरे बगल में बैठो, तो यहाँ मैंने बगल में के लिए जो है तो बाई का यूज कर दिया। और जैसे कि करण या कारक के लिए, जैसे कि यहाँ सोहन टॉट टॉट बाई मोहन। मोहन यहाँ मैंने राइट कर दिया, सोहन टॉट बाई मोहन मतलब सोहन को जो है तो मोहन के द्वारा पढ़ाया गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि करण या कारक का बोध हो रहा है, इसलिए मैंने जो है तो बाई का यूज किया है। तो आप ऐसा समझिए कि बाई का जो यूज होता है प्रीपोजिशन का, तो करण या कारक या बगल में के लिए किया जाता है। अब ये रहा लास्ट, अमंग और बिटवीन। अमंग का यूज अनेक के लिए और बिटवीन का यूज जो है तो दो के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ जो है तो बिटवीन का एग्जाम्पल है, रमेश इज स्टैंडिंग बिटवीन शीला एंड गणेश। मतलब रमेश शीला और गणेश के बीच में जो है तो खड़ा हो रहा है। यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, इसीलिए मैंने बिटवीन का यूज किया है। अब यहाँ अमंग के लिए एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि मैंने राइट किया है, डिस्ट्रीब्यूट तमेंगोच अमंग ऑल द बॉयज। मतलब आम जो है तो सभी बच्चों को बांटे गए, तो यहाँ सभी के लिए मैंने अमंग का यूज किया है। इसलिए आप समझ लीजिए कि अनेक के लिए जो है तो अमंग का यूज और दो के लिए जो है तो बिटवीन का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आप इतना ध्यान रखिए, ये मैंने आपको जो प्रीपोजिशन वर्ड बताया उनका यूज इनके अलावा भी और कई केस में जो है तो हो सकता है। आपको और लोग जो है तो इसको कई तरह से बता सकते हैं, तो उनके द्वारा भी बताया गया प्रीपोजिशन थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, बट इसी तरह है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।